हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ बटन की मदद से कुशन कवर बनाने की वीडियो शेयर की थी। आज की इस वीडियो में भी मैं उसी सीरीज़ का सेकंड डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बटन के साथ ही बहुत ही सुंदर कुशन कवर बनाने के बारे में बताऊँगी। इस कुशन को बनाने के लिए हमें चाहिए बुकरम, फैब्रिक के दो पीसेस चाहिए फ्रंट के लिए। हमें दोनों पीसेस कंट्रास्ट में चाहिए, एक प्रिंटेड और एक प्लेन। इसका मेजरमेंट 16.5 इंच। बाय 10 इंच है। प्रिंटेड वाले कपड़े का मेजरमेंट 16.5 इंच बाय 9 इंच है। अभी हमने क्या करना है, अपने वाइट वाले पीस को लेना है और उसके कॉर्नर पे अपने बुकरम को अच्छे तरीके से चिपका लेना है, उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको काट लेना है और आयरन की मदद से इसको अच्छे तरीके से चिपका लेना है। ये अच्छे तरीके से चिपक जानी चाहिए। आपको आयरन बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं रखनी। ये देखिए, मेरी बुकरम पेस्ट हो गई है। अभी हमने कोई राउंड चीज लेनी है, इसको बुकरम के ऊपर रखते हुए ऊपर से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। क्वार्टर इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं ऐसे। साथ साथ हमने हाफ सर्कल ड्रॉ करते जाना है। इसी तरीके से हमने सारे में ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। ये देखिए, मैंने अपने सारे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। अभी हमने इसके बैक साइड पे रखने के लिए एक लाइनिंग का पीस लेना है सेम कलर का। इसको अच्छे तरीके से मेन फैब्रिक के नीचे रखना है और जो हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को अच्छे तरीके से सेट करना है। आप चाहो तो इसके ऊपर पिंस लगा सकते हो या स्टेपल भी कर सकते हो, जिससे कि ये कपड़े दोनों पीसेस एक दूसरे के साथ सेट रहेंगे और सिलाई लगाने में आसानी होगी। ऐसे हमने धीरे धीरे अपने सारे निशानों पे सिलाई लगा देनी है। हमने बड़े ध्यान से धीरे धीरे सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी राउंड शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। ये देखिए फ्रेंड, हमारी सारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अभी हमने जो एक्स्ट्रा बुकरम है ऊपर से
इसको कट कर देना है। हमने ध्यान से कट करना है, हमारी सिलाई के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए। इसको कट करने के बाद हमने इसको सीधी तरफ पलट देना है और अच्छी तरीके से आयरन कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सीधी तरफ पलट दिया है और अच्छे से आयरन कर दिया है। अभी हमने अपना प्रिंटेड फैब्रिक लेना है। अपने प्लेन फैब्रिक, जो वाइट वाला फैब्रिक है, उसको इसके ऊपर रखना है और हमने मेजर करके देखना है कि हमारा कुशन कवर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आए। मेरा कुशन कवर 16.5 बाय 16.5 इंच का है, इसलिए ये मैं इसको सेट कर रही हूँ कि ये पूरा 16.5 इंच आए। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरे तरीके से 16.5 इंच आ रहा है। तरीके से आपने भी इसको सेट करना है। अभी हम इस कर्व, जो कर्व बनी हुई है, उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। और टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने ये जो कुछ ब्लैक कलर के बटन्स बनाए हुए हैं और इसके ऊपर सर्कल्स में, जो हाफ सर्कल्स बने हुए हैं, उसमें ये सारे बटन्स लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस के ऊपर टॉप स्टिच लगा दी है और बटन्स भी लगा दिए हैं। अभी मैंने अपने बैक के दोनों पीस को लेना है और फ्रंट वाले पीस के ऊपर अच्छी तरीके से सेट करते हुए रखना है इन दोनों पीसेस को। और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पिल्लो के चारों तरफ सिलाइयाँ लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही सुंदर लुक आया है इस पिल्लो का। इस तरीके से आप भी बड़ी आसानी से घर पे बटन्स की मदद से ऐसे डिज़ाइनर पिल्लो कवर बना सकते हो और अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।